अंडे के पकोड़े तो आपने बहुत बार बनाकर खाए होंगे। आप ना एक बार ये लच्छे वाले अंडे के पकोड़े बनाकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें लच्छे वाले अंडे के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और अच्छे से धो लिया था। इसको लेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे रेड चिली को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही, साथ ही अच्छी सी खुशबू के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 कप बेसन लिया है। और इसको आप मिक्स कर देंगे, एक बार मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। हमें ये नहीं है कि एक साथ पानी डाल देना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालना है और एक बैटर तैयार करना है जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये बन नहीं पाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, आपको भी इसी तरीके से ही मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप इस पकोड़ों को किस तरह से बनाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है, आप भी हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो ये देखिए, बातों बातों में ही बैटर भी तैयार हो गया हमारा। इसके लच्छे इस तरीके से लेने हैं, बीच में रखना है उबला हुआ अंडा और बस ऊपर से और थोड़े से लच्छे रख कर इनको फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको भी सेम उसी तरीके से ही करना है। और बस अब इनको फ्राई करना है, एक एक करके सारे डाल देने हैं जितने हमारे पकोड़े आते हैं इसमें। ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और मज़े के इतने बनेंगे कि आपकी सब तारीफ़ें करेंगे ये सच में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर इनको बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके पकोड़े कैसे बने। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे। इनको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, कितनी जल्दी ये बन जाते हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं अंडे के लच्छे वाले पकोड़े। फाइनली रिज़ल्ट मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे बने हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे अंडे के लच्छे वाले पकोड़े बन के रेडी हैं। आप इन्हें सर्व करें हरी चटनी के साथ। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, और खाने में तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।